हरि ही को प्रणाम करती हूँ आप सबको रसिक जनों, क्योंकि रस ही प्रवाहित होके जीवन में बहता है और रस की पराकाष्ठा आज कुछ शब्दों में आपके सामने रखना चाहूंगी। That essence of life, which is there, but requires rasa, the chakhna, the taste, the desire to taste. तो इसका नाम है माधुर्य, the sweetness of life, of experiences. कहा गया है कि ब्रह्म, दैट कैपिटल टी कैपिटल एच कैपिटल ए कैपिटल टी, वो वन एंड ओनली, उस ब्रह्म के दो पल्लू हैं, दो आयाम हैं। एक है निर्गुण निराकार, एक है सगुण साकार। दैट which has no attribute and no shape, nothing. It is in abstraction. Another one, which has attributes, which you can imagine as an akruti, as a figure, with a name, with all the qualities. So, nirakar, sakar, nirguna, sagun. And it's very interesting how it is explained. It is said ke jo nirakar nirgun brahm hai, how do we understand that? Usko bhi to samajhna mushkil hai. To kuch uski vyakhya kuch shabdon mein aise ki hai ke सर्वेश्वरता, यानी द वन एंड ओनली, सर्वव्यापक, ओमनीप्रेजेंट, हर जगह व्याप्त है, सर्वज्ञता, ऑल नोइंग, एंड सर्वकर्तृत्व, कर्तृत्व, कर्म से कर्तृत्व, द डूअर। ओके, ये तो एक बहुत बड़ा एब्स्ट्रैक्शन हो गया। ऑन द अदर हैंड, माधुर्य जो है कहां से आता है? द साकार सगुण। व्हाट इज द क्वालिटी और हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? तो कहते हैं कि उस ब्रह्म का, उस सगुण ब्रह्म का जो रूप हमें दिखता है वो है मानव प्रकृति सुलभ। मानव द ह्यूमन बीइंग, प्रकृति द वे वी कैन अंडरस्टैंड प्रकृति, द टेम्परमेंट, द स्टोरीज, बहुत बड़ा शब्द है मानव प्रकृति सुलभ, विच इज इजी टू ग्रास्प, इजी टू कॉम्प्रिहेंड, इजी टू अंडरस्टैंड। नर नाट्य भी कहते हैं कि दी नाट्य तो आप जानते हो, दी द हैपनिंग्स लाइक इन अ थिएटर, लाइक ऑन अ स्टेज, लाइक इन अ प्ले, द कॉन्स्टेंट प्ले, दैट इज पॉसिबल ओनली विद सगुण साकार ब्रह्म। एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी से दी प्ले, लीलाएं, ये लीला चलती रहती है और ये लीलाएं उनकी भी चलती हैं जो ब्रह्म मानव शरीर में अवतरित होता है। आपके सामने तो सारे उदाहरण हैं, यू नो द एग्जांपल्स वेरी वेल। राम, रामचंद्र का नाम ले लेते हैं, कृष्ण का नाम ले लेते हैं, है ना? तो उनकी जो जीवन की लीलाएं, वो उसी ब्रह्म क्या का साकार स्वरूप, सगुण स्वरूप, मानव
सुलभ है कि मानव हमको समझ में आता है, अरे हमारे जैसे तो दो हाथ दो पैर दो आंखें दो कान वाले क्या क्या करते हैं। तो इसीलिए बहुत एक सहजता से पहले हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहूंगी कि इस मधुर लीला में भी कहीं कहीं ऐश्वर्य का दर्शन कराना पड़ता है। जैसे कि मैं बहुत ही सरल बहुत ही अच्छी हंसती खेलती प्यार से समझाने की कोशिश करती एक व्यक्ति हूँ। आई एम ईजी टू प्लीज, आई एम ईजी टू गेट एंग्री, अगेन आई एम ईजी टू अपोलोजाइज, आई एम ईजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन उसका यदि कहीं पर भी दूसरा अर्थ निकाला जाए और लोग यदि उल्टा सीधा काम करने लगे तो ऐश्वर्य भी दिखाना पड़ता है। ऐश्वर्य इज द मैजेस्टी। तो थोड़ा सा आंखें फिरी नहीं तो लोग समझ जाते हैं। वैसे ही जैसे श्री कृष्ण को उस मधुर लीला में भी विश्वरूप दिखाना पड़ा उनको, अक्रूर जी को, दुर्योधन को और अर्जुन को। जब ऐश्वर्य दिखाया तब उनकी बुद्धि में प्रकाश हुआ। जैसे कि श्री रामचंद्र ने समुद्र के किनारे लंका लांघने के पहले द गॉड ऑफ वॉटर द स्पिरिट ऑफ वॉटर वरुण देव का आह्वान किया, वरुण नहीं आए, फिर आह्वान किया, ही डिडंट अपीयर। फिर श्री राम ने उठाया अपना कोदंड और शरसंधान किया, एकदम से उस ऐश्वर्य को देखकर घबराया हुआ वरुण प्रकट हो गया, प्रभु आ गया। तो इसीलिए कभी कभार माधुर्य में भी ऐश्वर्य की झलक दिखानी पड़ती है, ऐसा मैं मानती हूं। महादेवी भगवती उनका जो महात्रिपुर सुंदरी उस उनकी आकृति है, उनका विग्रह है, आइडॉल द इमेज दैट वी वर्शिप। तो एक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र तो हैं, शी हैज वेपन्स, लेकिन एक हाथ में इक्षु धनु है। इक्षु यानी ईक गन्ना शुगर केन। शी इज होल्डिंग द धनु दैट इज द बो एज इट वर्ड ऑफ इट इज द एंटायर शुगर केन। ये विचित्र बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि अस्त्र शस्त्र उस ऐश्वर्य के लिए, उस डिसिप्लिन के लिए, सृष्टि चलाने के लिए आवश्यक है, असुरों से लड़ने के लिए आवश्यक है। लेकिन दूसरी तरफ वो मधुरता आवश्यक है। तो क्या होता है, आपने यू मस्ट हैव टेस्टेड शुगर केन, माय इंडियन फ्रेंड्स स्पेशली, उसको चबाना पड़ता है तब जाके रस मिलता है। रस के लिए उसको चबाना पड़ता है, जीवन के प्रसंगों को अनुभवों को चबाना पड़ता है। एंड देन व्हेन यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इट तो रस को उबालना पड़ता है, भयंकर ताप देना पड़ता है, उसको तपाना पड़ता है, उसको हिलाना पड़ता है, घोटना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे वो गुड़ में परिवर्तित होता है और लगातार कॉन्स्टेंटली यू हैव टू रिमूव जो ऊपर गंदगी फेंक, जो तत्व जरूरी नहीं आवश्यक नहीं उनको छान छान के हटाना पड़ता है। लाइफ इन लाइफ
जीवन में भी हमें छानना पड़ता है, हमारे जीवन के रस को तपाना पड़ता है, और उसके बाद जब वो गाढ़ा होना शुरू होता है तब जाके धीरे धीरे गुड़ बनता है। एंड उस गुड़ का जो स्वाद है उसका आप वर्णन शब्दों में कर सकते हैं क्या? कैन एनी वन डिस्क्राइब इन वर्ड्स, गिव अ डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्वीटनेस? यू कैन ओनली से एज स्वीट एज हनी, एज स्वीट एज द साउंड ऑफ कुकू, बट इट इज ऑलवेज उपमा, इट्स एन एडजेक्टिव, इट्स अ वे टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट डिफाइज डेफिनेशन इन वर्ड्स। लेकिन वो जो स्वाद है, वो जो रस है, यदि वो जीवन में नहीं तो जीवन नीरस है। हमेशा मैं कहती हूँ नीरस जीवन सार्थक नहीं होता, नीरस भक्ति सार्थक नहीं होती, ये भी मैं कहती रहती हूँ। रस से ओतप्रोत, रस से परिप्लावित जीवन, वहाँ पर मधुरता माधुर्य का संचार होने लगता है। उसके लिए आपको तपना तो पड़ेगा, वो तपने के लिए तैयार रहिए, और उस ताप को सहन करते करते समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो प्रक्रिया है उससे क्या कि भ्रमर ने भी इतने सारे फूलों से रस चूसा और जाके उसको एक छाते में हनी कुंभ में डालते गए, वहां पर मधु में परिवर्तित हुआ, और उस शहद को, उस मधु को हमने चखा, एज स्वीट एज हनी, है ना। अब देखिए शब्दों को किस तरीके से एक सूत्र में पिरोया है हमारी भाषा में। मधु शहद, मधु से मधुरता, दी क्वालिटी ऑफ मधु ऑफ हनी। नाम आया माधवी, शी हु इज स्वीट। माधवी एक लता का भी नाम है, क्रीपर विच हैज वेरी स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। माधवी हम लड़कियों के नाम भी देते हैं। माधव जो कृष्ण का पर्यायवाची है, सिनोनिम है, एज स्वीट एज हनी हे कृष्ण। उनकी बोली, उनकी दृष्टि, उनके कार्य स्वीट एज हनी, उनका आश्लेष, उनका चुंबन एज स्वीट एज हनी। और महात्रिपुर सुंदरी के लिए क्या कहा गया है, माधवी पानान सा मत्ता। माधवी एक विशेष पेय का भी नाम है जो माधुर्य का, जैसे कि पूरा का पूरा सत्व है, द एसेंस ऑफ मधुरता। देखिए ये जब हम सोचते हैं ना कि कितनी गहराई तक आप जा सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, कितनी व्यापकता में आप घूम फिर सकते हैं, ये जो विशेषता है भारतवर्ष के दर्शन की, भारतवर्ष के रसशास्त्र की, भारतवर्ष के कलाओं की, साहित्य की, जिसमें इनको इतनी सहजता से आपको परोसा गया है। आज ही मुझे सुबह एक मेरे विशेष विद्वान मित्र हैं बता रहे थे कि श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों का संकलन, 18,000 संस्कृत वर्सेस श्रीमद् भागवत, जो कृष्ण का चरित्र है, लाइक रामायण श्री राम का चरित्र है, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का चरित्र, उनकी लीलाएं हैं। एंड इट्स रिटन बाय द ग्रेट वेद व्यास। वेद व्यास के बेटे शुकदेव बड़े वर्षों के बाद माता के पेट से, यानी उन्होंने जन्म लिया, वो जन्म लेना ही नहीं चाहते थे, और जन्म से ही अखंड ब्रह्मचारी
योग साधना में लीन परमहंस। जब वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत रचा तो उनके मन में एक इच्छा हुई कि मैं अपने पुत्र शुकदेव को भी ये सुनाऊं। शुकदेव है कहां? समाधि में लीन है, वन में, जंगल में। तो उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को एक श्लोक पढ़ाया और कहा कि जाकर शुकदेव जहां समाधिस्थ है वहां जाकर इस श्लोक का मधुर कंठ से गान करो। सिंग इन द स्वीटेस्ट ऑफ वॉइस दिस वन संस्कृत वर्स। ही मे बी इन समाधि बट आई वॉन्ट यू टू रिसाइट इट, टू सिंग इट। ये गए शुकदेव जी समाधि में एंड उन स्टूडेंट्स डिसाइपल्स ने, शिष्यों ने मधुर गान किया। उस श्लोक को मैं उद्धृत अभी नहीं करूंगी बट द मीनिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। ही हु वेयर्स पीकॉक फेदर्स मोर पिच्छ का गुच्छ सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, शंकराचार्य ने कहा है। और जिनके कान में कने कर्णिका के पीले फूल लटक रहे हैं, वन हु इज अडॉर्न्ड विद द वैजयंती माला, वन हु हैज हुज रैप्ड इन पीला पीतांबर एंड इन हुज हैंड्स इज द वंशी वेणु बांसुरी, और उनके सुंदर ओष्ठों के द्वारा ओष्ठामृत अधरामृत the ambrosia of his rasa is percolating in the bansuri, और वो जो नाद निकलता है, वो जो संगीत निकलता है, वो पूरी सृष्टि में छा जाता है। They sang the shlok and lo and behold, Shukadev just jumped, leapt out of his samadhi and started dancing in joy, in ecstasy. They came back and told the Guru Vedvyas ji, ऐसा हुआ। तो Vedvyas ji, the father thought, okay, he started dancing, समाधि तो उसकी उससे निकल आया, यहां क्यों नहीं आया? Why hasn't he come here to ask me, his father? And Vedvyas ने ध्यान लगाया, दिव्य दृष्टि से देखा। क्या उनको पता चला? He found that his son Shukadev, उनके मन में एक डाउट आ रहा, एक नॉट डाउट बट एक विचार आ रहा है, संदेह उत्पन्न हुआ कि ऐसे नटवर, श्रीमद् भागवत में लिखा है नटवर, वन हु इज द मोस्ट ब्यूटिफुल अमंग डांसर्स, वहां शिव नटराज हैं, यहां शिव, यहां कृष्ण नटवर हैं। तो शुकदेव जी सोच रहे कि ऐसे अद्भुत नटवर कृष्ण मेरे पर कृपा करेंगे क्या, कब करेंगे? एकदम रस में बह गए। When will I have his darshan? Will he bless me? Will I be receiving his कृपा? तो वेदव्यास जी ने दूसरा श्लोक सिखा के भेजा शिष्यों को, और उस श्लोक में यह है, that he who gave the position, the supreme position of mother, even to the demoness Putana, who had come with the poisonous breasts and was nursing baby Krishna with poison, even to her he granted this great motherhood, the position. May he protect us all, may he bless us. तो शुकदेव जी ने जब ये श्लोक सुना कि पूतना का कल्याण करने वाले, उसको मातृ स्थान की उच्च पदवी देने वाले, कृपालु दयालु ऐसे प्रभु ऐसे हैं, तो मेरा उद्धार अवश्य होगा। शुकदेव जी यदि, द ग्रेट शुकदेव जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत बाद में परीक्षित को सुनाई, the grandson of Arjun, he recited the whole Srimad Bhagavat to Parikshit.
in very difficult circumstances. 18,000 श्लोक्स. तो आप सोचिए कि यदि हम वी mortal beings, if Shukadev ji was so in ecstasy, can we not be in that bliss, in that blissful moment or for a few moments every day in our lives? Yes, there are viruses, not only of COVID-19 corona, there are viruses of negativity, of jealousy, of anger, of competitive nature. All kinds of viruses are there. We are not aware. We are not aware. So, this also tells us, jaise maine gud ka bataya, that the constant tapana tapana, the constant agni, the constant fire within us to cleanse ourselves and to keep stirring that madhura ras, madhurya, हमें है, उसको तपा तपा के सारे अनावश्यक तत्वों को हटा हटा के उस मधुरता का पान करना चाहिए और उस मधुरता का पान कराना चाहिए. अब मैं आती हूँ जो हमारा विशेष मेरा प्रिय रहा है, विशेषतम प्रिय रहा है. तो ये है हमारा हरे प्रभु के जो संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग चलता रहता है, मथन मंथन चलता रहता है. मयूर अपनी मयूरी को बुला रहा है, उसकी आवाज आप सुन रहे होंगे. तो उनमें भी ये माधुर्य है. तो और उन्हीं का तो गुच्छ पिच्छ पहनते हैं ना कृष्ण. मैं कह रही थी कि कमिंग टुगेदर एंड सेपरेटिंग अगेन, दिस इज अ कॉन्स्टेंट इन आवर लाइव्स. लेकिन जब ये होते 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 एक चरम बिंदु पे हम पहुंचते हैं, इन दैट फाइनल स्टेज, एट दैट फाइनल पॉइंट वेयर एक दूसरे में ओत प्रोत हो जाते हैं, तो उसकी हम संज्ञा देते हैं हमारे साहित्य में, हमारे संगीत में, गान में, शिल्प में, शास्त्र में, नृत्य में. तो सबसे जो एक समझा जाता है एक आराम से, वो है राधा और कृष्ण. राधा और कृष्ण, द सिंबल्स ऑफ राधा कृष्ण और सर्वव्यापी, वो माधुर्य. तो इसकी जो विशेष एक इसका एक दर्शन होता है वो है जयदेव के गीत गोविंद में. दैट आई ऑलवेज मेंटेन कि जयदेव का गीत गोविंद एकमात्र उनकी रचना, द वन एंड ओनली, नो सेकंड. जयदेव ने दूसरा कुछ लिखा ही नहीं. No second book, no second composition, nothing. Only the Gita Govinda. Aur wo amar ho gaya. He became immortal. Why? Because yahi jo process hai. Viyoga, sanyoga, viyoga, sanyoga, viyoga, sanyoga. And the final stage of kaise darshana. तो बहुत सुंदर है, आप पढ़िएगा. आई रिकमेंड इट स्ट्रांगली. उसमें एक जो एक पॉपुलर बिलीफ है कि ज्यादातर लगभग लगभग द वुमन ओनली सफर्स, ओनली द वुमन फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन. पुरुष तो वीर है, ही कैन लाइक अ भ्रमर गो फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूं. जहां पर द गो बिटवीन राधा कृष्ण एंड हियर इज द सखी,
the Margadarshak, the friend, the pathfinder. She has equal adhikar, the authority, to tell Krishna to scold him and to tell Radha and scold her. And her only intention is to bring them closer together. वो कारण है. तो सखी अभी कृष्ण को कह रही है राधा की क्या अवस्था है. बिकॉज यू आर नॉट विथ हर, इट्स बीन अ सेपरेशन दैट शी कैन नॉट बेयर एनी मोर. तो सखी कह रही है हरी रीति जपति सकामम, हरी 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 हरी. कृष्ण का सिनोनिम पर्यायवाची हरि भी है, जो दुखों को हरता है, पीड़ा को हरता है, शोक को हरता है, संताप को हरता है, दर्द को हरता है, वो हरि. तो हरी रीति जपति सकामम, सकामम विथ डिजायर, निष्काम नहीं सकामम. वो जो हरी 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 ये जो जाप कर रही है, इट इज विद द डिजायर टू बी विथ यू. वही सगुण साकार ब्रह्म की बात यहां आती है, वही धर्म अर्थ काम की बात आती है. यदि काम आपका नहीं जीवन में प्रधान, तो आपका जीवन निष्फल ही रहता है. तो यहां राधा के स्थिति की वर्णन किया है सखी ने, हरी रीति जपति सकामम विरह विहित मरणे नमिका. मरण की अवस्था में प्राय पहुंच रही है. शी इज इन दैट स्टेट ऑफ बीइंग वेयर शी मे गिव अप हर लाइफ. सकामम निकामम एंड देन ऑल्सो दैट शी इज सकिंग इन अ ब्रेथ in pain, in agony, horripilation, romance ho raha hai, dukh ka, sukh ka nahi. She is beating her head. All kinds of things Radha is doing. Oh Krishna, are you so hard-hearted? Okay. To Radha ki virah vedana bahut logon ne varnit ki hai. We have heard so many descriptions of Radha's pangs of love in separation. Viraha vyatha, viraha vedana. Isme ek aur chota mujhe doha yaad aa gaya, bahut purana hai. Abhi to nahi, lekin jo sharad rutu ka chandra hota hai, the autumnal moon is so beautiful and chandani chhai hui hoti hai. Kehte hain धवल महल शैया धवल, धवल शरद की रैन. द पैलेस द प्लेस इज ऑल वाइट, यू कैन इमेजिन मार्बल और इवन द शंख जो कौड़िया होती थी ना, उसको पीस के उसका लेप होता था दीवारों पर, तो एकदम चमकता हुआ सफेद होता था. धवल महल शैया, द बेड इज ऑल्सो स्पॉटलेसली वाइट एंड परहैप्स द जैस्मिन वाइट फ्लावर्स हैव बीन स्ट्रून ओवर इट. धवल महल शैया धवल, धवल शरद की रैन एंड द ब्रिलियंट उज्ज्वल वाइटनेस. जहां चांदनी बिखेर रहा है, वो चांद, वो चंद्रमा शरद ऋतु का पूर्ण चंद्र. लेकिन एट दिस मोमेंट द सीन ऑफ जॉय एंड ब्लिस एंड ब्यूटी, एक श्याम बिन बिकल सब, विदाउट द डार्क वन एवरीथिंग इज बिकल, ऑफ नो यूज, यूजलेस. व्हाई? जो पूतरी बिन नैन, लाइक द आईज which have no pupil, the dark pupil. If dark pupils are not there, what good are the white eyes? Dhaval mahal shayya dhaval, dhaval sharad ki nain,
एक श्याम बिन बिकल सब जो पूतरी बिन है. एंड देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुरुष कृष्ण नो लेस. वो कैसे तड़प रहा है, उसकी विरह वेदना का वर्णन, उस व्यथा का वर्णन किसने किया? जयदेव ने किया. क्या कहते हैं, सखी वापस आती है, अब कृष्ण की विरह व्यथा का वर्णन राधा को सुनाती है. सखी ओ राधा, सीदती तव विरहे वनमाली. सीदती जो शब्द है ना, जैसे धीमी आंच पे आप किसी सिमरिंग, द सिमरिंग चलता रहता है, नो एंड टू इट. सीदती तव विरहे वनमाली. राधा स्टिल डजंट बिलीव इट. तो सखी कैसे सुनाती हैं कृष्ण की विरह व्यथा, कहती है वसती विपिन बिताने, ही इज नाउ इन द डीप ऑफ द फॉरेस्ट वेयर द फ्लावर्स ब्लूम. वसती विपिन बिताने, त्यजति ललित धाम, ही इज गिवन अप बीइंग इन एनी ब्यूटिफुल प्लेस. Lalita Dham here could also refer to Vaikuntha, the place of Vishnu, who is Krishna. Tyajati Lalita Dham, Luthati Dharani Shayane. Luthati, oh my God, lot raha hai dharti par. He is rolling and calling out your name, Vilapati, Bahu Vilapati Tavana. Is rolling on earth, धरती पे लुठती, बहु विलपति तब नाम, जोर जोर से राधा 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 चिल्ला रहा है, रो रहा है. सखी सीदती तब विरहे वनमाली. आहा. एंड देन आई वॉन्ट टू प्रेजेंट टू यू एज अ थॉट के कृष्ण इस अवस्था में अपने ही विरह का वर्णन कैसे कर रहे हैं जयदेव की वाणी से. कहते हैं कृष्ण इज लाउडली सेइंग, एक्सप्लेनिंग टू हू, टू कामदेव, जो पांच बाणों के साथ तैयार है धड़ाधड़ बाण छोड़ने के लिए कृष्ण के ऊपर विरह के बाण. कृष्ण से हृदि विलसते हारो नायम भुजंगम नायक. यू आर मिस्टेकिंग दिस हार, दिस वनमाला फॉर भुजंग स्नेक. नो, इट इज नॉट दैट. हृदि विलसते हारो नायम भुजंगम नायक. आर नॉट दैट. कुवलय दल श्रेणी कंठे नसा गरल द्युति. कुवलय आर द ब्लू लोटसेस, गार्लैंड ऑफ ब्लू लोटसेस इन माय नेक विच लुक लाइक टू यू गरल पॉइजन द्युति, द झाए द ऑरा ऑफ पॉइजन विच इज इन द थ्रोट of Shiva. No, this is the aura of the blue lotuses which I'm wearing. And he says, Malayaja Rajo na idam bhasma priya rahite mai. Malaya yani the southern mountains, Malaya Parvat. Why Malaya? Because sandalwood trees grow there. And the breeze that comes is not only fragrant, cool. Malaya Jagajo, I had applied sandalwood paste. This is not bhasma, not ashes, but they look like ash now because they have dried up.
with the taap, with the viraha from my priya, from my beloved. Kimu dhavasi ananga, please don't mistake me for Shiva who burnt you. I'm not that Shiva, I'm poor Krishna in separation from my beloved. Don't, please don't shoot me with your arrows. ये कृष्ण की विरह व्यथा का वर्णन इतना अद्भुत है. तो दोनों तरफ जो है कि बराबर बराबर चलता है और माधुर्य तभी उत्पन्न होता है. ये नहीं कि पुरुष और स्त्री, ना, दोनों तरफ बराबर. मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ और मैं कह ही रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को ये इंटरैक्टिव सेशन क्यों नहीं बनाई, किसी ने पूछा. मैंने कहा कि मुझे जो कहना है वो तो मैं कह लूँ, उसके बाद आप लोग पूछते रहिए. वी विल हैव इंटरैक्टिव सेशंस लेटर. ये तो अभी लंबा चलने वाला है लॉकडाउन, मेरी भी सेशंस चलती रहेंगी और हम लोग अरस परस बातें करते रहेंगे. तो ये मेरा अंत में आपसे इतना निवेदन है कि जब रस भरे ओठों का चुंबन, रस भरे नैना की दृष्टि, रस भरे ओठों का चुंबन, रस भरे हृदयों का मिलन, रस भरे त्वचाओं का स्पर्श, वो जो अद्भुत सुख है. और उसमें और एक चीज मैं मिलाती हूं, रस भरे विचारों का मिश्रण. यदि विचार नीरस हो और एक सेरिमोनियल आप ना वो कहां मधुर है, तो पूरा प्रगाढ़ प्रेम के जो क्षण हैं उसको हम कैसे अपने जीवन में और प्रगाढ़ करते चले जाएं, उनको समझें, उनको अपनाएं, उसमें किसी तरीके का संकोच करना नहीं होना चाहिए. यू नो, आई एम वेरी वेरी आई लव काइनेटिक एनर्जी, आई बिलीव इन हगिंग. मैं अपने शिष्यों को, अपने मित्रों को, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, पुरुष है, स्त्री हो, बालक हो, पेड़ों को तक, आई लव टू एम्ब्रेस, आई लव टू हग. वो जो एक आई वुड ऑल्सो कॉल इट अ नीड, अ ह्यूमन नीड. और जो लोग दूर रहते हैं, स्पर्श से, ऐसे छूने से यूं हो जाते हैं, मैं उन पे दया करती हूँ. मुझे आई फील सॉरी फॉर देम. व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉट गॉट एनीथिंग आउट ऑफ लाइफ. दे हैव नॉट अंडरस्टूड कि ये शरीर है किसके लिए. ये शरीर है रस भरने के लिए, ये शरीर है रस समझने के लिए, चखने के लिए और रस बांटने के लिए. और यही माधुर्य उत्पन्न होता है. तो मैं ये आपको अंत में कहती हूँ, मद माधुरी मधु मद करी मंगलांगी. जो मद से भरी हुई माधुरी है, ये मद गौण है लेकिन आनंद का एक उन्माद, एक प्रेम का जो मद है, वो माधुर्य उसका जो है वो जीवन में टपकता रहे. आपका जीवन रस से परिप्लावित हो. मे योर लाइफ बी फुल ऑफ ब्यूटी, ऑफ स्वीटनेस, फुल ऑफ रस, फुल ऑफ ब्यूटिफुल सेंटिमेंट्स. दिस इज माई प्रेयर टूडे एंड आई विल कीप प्रेइंग फॉर एवरी वन. आई प्रे फॉर माई सेल्फ एवरी डे. आई विल प्रे फॉर एवरी वन. तो तब जाके नो एनिमोसिटी, नो जेलसी, नो शत्रुता. लेट अस बी एटलीस्ट वन ड्रॉप इन द ओशन ऑफ माधुर्य. जय प्रणाम.